हाय फ्रेंड, वेलकम चैनल राम नॉलेज पॉइंट। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये जो आज का अपडेट है बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, तो आप सभी ये जो वीडियो है वो लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आप सभी को जो है मिलने वाला है इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखें। तो अगर बात करें हम आज के इस वीडियो के टॉपिक की, जो कि ये फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म निकाला गया है जो कि NTA CSIR NET की तरफ से है, मतलब कि NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से जो है ये फॉर्म है, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से जो है ये फॉर्म नेट और GRF फेलोशिप के लिए जारी किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि ये जो फॉर्म है वो MSc और उसके इक्विवेलेंट जो भी कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, और जिनका भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BE BTEC और जो लोग भी मास्टर डिग्री रखते हैं वो जो है अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। BE BTEC फार्मा वाले भी कैंडिडेट इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो और इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो आप सभी देख सकते हैं कि 10 अप्रैल 2023 तक जो है रखा गया है। तो आइए डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं कुछ अपडेट जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो फॉर्म है वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से जो, और ये जो है और ये जो एग्ज़ाम है वो NTA के द्वारा जो आयोजित किया जाता है। तो इसमें जो ट्रेनिंग होगा उसमें नेट और GRF के लिए जो है फेलोशिप जो है इसमें एग्ज़ाम जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनको जो है नेट और GRF में के थ्रू जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और GRF फेलोशिप जो है दिया जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप देख सकते हैं। नेशनल NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसका विजन मिशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बाकी टेबल ऑफ कंटेंट आप देख सकते हैं जिसमें कि एक एक करके सारा जो है इसमें जो टॉपिक है वो दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट डेट जो भी है, इंट्रोडक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन, फैसिलिटी फॉर PW कैंडिडेट, एक एक करके सारा इन्फॉर्मेशन जो है टेबल ऑफ कंटेंट में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की इस फॉर्म के रिगार्डिंग। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वो 10 मार्च 2023 से स्टार्ट हो चुका है, और ये जो इसका लास्ट डेट है 10 अप्रैल तक जो है 2023 तक रखा गया है। और इसके ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट में CSIRNET.NTA.NIC.IN है। बाकी अगर एग्ज़ाम फीस की अगर हम बात करें तो इसमें जेंडर के लिए 1100 और OBC वालों के लिए जो है OBC नॉन क्रीमी लेयर उसमें 550 चार्जेज हैं, SC ST के लिए 275 एंड थर्ड रेंजर में 275 एंड PWD NIL मतलब कोई भी फीस नहीं है।
और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो टेस्ट है, ये जो फॉर्म है, वो साल में 2 बार यानी कि 1 जून और 1 दिसंबर के लिए जो है अप्लाई होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फॉर्म भरने से पहले जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ें। बाकी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं जो NTA है उसके बारे में जो है बताया गया है। और ये जो CSIR UGC फेलोशिप है इसके बारे में भी जानकारी दिया गया, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। CSIR एंड UGC प्रोवाइड्स रिसर्च फेलोशिप फॉर ट्रेनिंग इन मेथड ऑफ रिसर्च अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ फैकल्टी मेंबर्स एंड साइंटिस्ट वर्किंग इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। मतलब जो भी ये फेलोशिप है उसमें आपको जो है ट्रेनिंग का जो है पूरा मौका जो है मिलता है, जो कि अंडर गाइडेंस ऑफ मेंबर्स एंड साइंटिस्ट जो कि यूनिवर्सिटी में और डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं उनके अंडर में जो है ट्रेनिंग, ये जो फेलोशिप कराया जाता है। एंड आगे आप देख सकते हैं दिया हुआ है अ लार्ज नंबर ऑफ GRFs आर अवार्डेड ईच ईयर बाई CSIR टू कैंडिडेट होल्डिंग BS4 प्रोग्राम ईयर 4 ईयर प्रोग्राम BE BTech BPharma MBBS इक्विवेलेंट एंड MSc ऑनर्स होल्डर्स स्टूडेंट। मतलब कि जो भी 4 ईयर का ये इसमें CSIR का प्रोग्राम इसमें होता है उसमें जो है कैंडिडेट जो है अवार्ड किए जाते हैं साइंटिस्ट के द्वारा। CSIR के द्वारा जो है इसमें अवार्ड जो है दिया जाता है टू द कैंडिडेट। अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो जो स्टाइपेंड है इस फेलोशिप में जो कि आप सभी कैंडिडेट को जो क्वालिफाई में दिया जाएगा तो फॉर द फर्स्ट 2 ईयर द स्टाइपेंड विल बी 35,000। मतलब पहले 2 साल के लिए 35,000 जो है पर मंथ स्टाइपेंड जो है रखा गया है। और आगे परफॉर्मेंस के आधार पर जो है उसको जो है बढ़ाया जाता है, जो कि 35,000 तक जो है उसको बढ़ाया जाता है। एंड इट इज डिपेंड ऑन योर परफॉर्मेंस ऑफ फेलोशिप ट्रेनिंग। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर जैसा कि पहले बताया गया था। MSc और इक्विवेलेंट डिग्री एंड इंटीग्रेटेड BE BTech BPharma MBBS विद एटलीस्ट 55% मार्क फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 55% मार्क फॉर जनरल कैंडिडेट एंड 50% मार्क्स फॉर OBC SST कैंडिडेट। अगर एज लिमिट की से हम बात करें तो जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 28 साल जो है रखा गया है। जो कि 1 जुलाई 2022 तक जो है कैलकुलेट किया गया है। और जो 5 साल का एज कंसेशन है
वो SC ST एंड थर्ड इंजीनियर पर्सन एंड PWD वालों के लिए जो है 5 साल का इसका एज कंसेशन रखा गया, देख सकते हैं स्क्रीन पर। एंड फीमेल कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए जो है 3 ईयर का कंसेशन है, इन केस ऑफ OBC नॉन क्रिमिलियर एप्लीकेंट्स। ये तो ये जो एज लिमिट है वो JRF कैटेगरी के लिए है। और आगे हम अगर बात करें लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो कोई भी एज लिमिट इसमें नहीं रखा गया है। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जो है इसमें होगा। बाकी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे। केमिकल साइंस कैटेगरी के लिए 3 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी एंड अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्रिटी साइंसेस के लिए भी 3 पार्ट है ABC। लाइफ साइंस के लिए भी 3 पार्ट है ABC। मैथमेटिकल साइंस में भी 3 पार्ट है ABC एंड फिजिक्स साइंस में भी 3 पार्ट ABC जो है दिया हुआ है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। बाकी अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज का तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर डिफरेंट स्टेट में सिटी वाइज जो है एग्जाम जी डिफरेंट एग्जाम सेंटर्स जो है दिए हुए गए हैं। तो आप सभी जो है अपने नज़दीकी लोकेशन पर जो है एग्जामिनेशन सेंटर को फॉर्म भरते समय आप अपडेट कर सकते हैं, जिसमें झारखंड में जमशेदपुर का भी जो है सेंटर में शामिल है। तो डिफरेंट सेंटर्स से आप देख सकते हैं। बाकी आगे आप दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ये जो भी अप्लीकेबल फॉर्म्स हैं वो उसका जो है प्रिंट इसमें दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ जो अपडेट है आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। और इस फॉर्म को अप्लाई करते समय सबसे पहले आप जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से रीड आउट करें और अपने पसंद के अनुसार जो आपका जो उसके अनुसार जो है फिल करने का प्रयास करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और नोटिफिकेशन को रीड आउट ज़रूर करें, क्योंकि रीड आउट करना नोटिफिकेशन को अच्छे से बहुत ज़रूरी है फॉर्म को बिफोर अप्लाइंग द फॉर्म। तो आशा करता हूँ जो अपडेट है आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें ताकि अन्य लोगों का भी जो है उसमें मदद हो। और चैनल रामलाल पॉइंट को ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर रखें। तब तक के लिए मैं राहुल का गुप्ता लेता हूँ आप सभी से विदा और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।